दोस्तों अभी मैं विद्यापति धाम में हूँ, जो विद्यापति धाम समस्तीपुर जिला में स्थित है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये खूबसूरत सा दृश्य। और मैं बता दूं कि ये विद्यापति धाम एक ऐसा धाम है जहाँ पे भक्त और भगवान दोनों की एक साथ पूजा की जाती है ना महाराज जी? बिल्कुल। यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। आज तो थोड़ी भीड़ कम है, समय भी हो चुका है और रविवार को और सोमवार को अत्यधिक मात्रा में यहाँ पे भक्त आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। और यहाँ की सबसे रोचक कहानी जो आप सुनेंगे तो आपको हैरानी होगी कि एक भक्त के प्रेम में भगवान विवश हो गए और यहाँ पे वो भक्त आके अपना शरीर त्याग किए हैं और तब से यहाँ पे भगवान और भक्त दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। सबसे पहले केआर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम चंद्रा बाबा हुआ, मंदिर का हम पुजारी हुए जी। और विद्यापति धाम में जो है आपका स्वागत है और आप हमसे जो है से विद्यापति का वर्णन सुनने के लिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो धन्यवाद आपका जी। ये विद्यापति आप जो देख रहे हैं जी, ये विद्यापति परम भक्त शिव का जो है से परम भक्त थे जी। और विद्यापति का मकान जो है से दरभंगा बिस्फी सम्राट जोबनपुर बेनीपट्टी जो है से इनका मकान हुआ, जो अभी भी जो है से विद्यापति का मकान है जी जी जी। जो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं जी जी जी। तो वहाँ से विद्यापति जो है से गंगा स्नान के लिए जो है से चामत घाट आता था, जो ये जगह जो है से पहले जो है से ये बाला गच्छ की नाम से भी जाना जाता था। शंकर भगवान और उगना जो है से उनके मानव के रूप में थे, शंकर भगवान जो उनका नाम उगना थे, जो विद्यापति इनका जो है से परीख नहीं पाए थे, जो ये साक्षात महादेव है। लेकिन जब इनको जो प्यास जब विद्यापति को जो है से लगा, ये जेठ बैसाख की समय है, तो विद्यापति ने जो है से उगना से बोला जो उगना हमको बहुत जोर प्यास लगा हुआ है, हमको पानी बगैर जो है से मेरा प्राण निकल जाएगा। कहा जो बाबा आप इसी पेड़ के पीछे आप जो है से विश्राम कीजिए, हम कुछ दूर चलकर देखते हैं, अगर कोई तालाब पोखर या गांव बस्ती मिल जाएगा या नल का कुआं मिल जाएगा तो हमने जो है से आपको जल लेकर आपको जो है से पिला देंगे। इसी बीच में जो है से पेड़ हुए, पेड़ के पीछे छिप जाते हैं और उगना अपना रूप धारण करके और जटा से जल निकाल कर और एक लोटा जल लेकर और विद्यापति के पास पहुंच जाते हैं। कहा जो बाबा बाबा ये आप जल पीजिए, तो विद्यापति को जल हाथ में धरा दिए। जैसे एक घोंट लेते हैं तो इनको जो है से गंगा जल की स्वाद मालूम हुआ विद्यापति को। तो उगना ये विद्यापति ने बोला जो उगना ये जल तुम कहाँ से लाया? कहा जो बाबा हम कहाँ से लाए नहीं लाए, पहले नंबर अपना प्राण तो जो है से पहले बचाइए। कहे नहीं उगना, इस जंगल में समान जल मिलना मुश्किल है, तो ये जल लाया कहाँ से? ससत बतला। दोनों आदमी में जो है से उगना और विद्यापति में दोनों आदमी का जिक्र हो गया। इसी बीच में कहा जो ठीक है बाबा, हमारी आपकी दोनों आदमी का एक शर्त मंजूर कीजिए। तो क्या? तो ये भेद जो है हम दो ही आदमी जान सके, तीसरा आदमी कोई नहीं बतलाइए। जिस दिन ये भेद खोल दीजिएगा उसी दिन हम आपके यहाँ से हम चले जाएंगे। कहा जो ठीक है, विद्यापति बोला जो ठीक है हम किसी को नहीं कहेंगे, अब तो बतलाओ। तो कहा जो बाबा हम जो इतना दिन से आपके साथ में जो रह रहे हैं, हम साक्षात महादेव हैं। विद्यापति इस पर यकीन नहीं किए, न ऐसा कोई परछाई देखे, न कोई ऐसा रूप देखे, न कभी जो है से उस ढंग का जो है से मतलब रहन सहन देखे। काज नहीं उगना, तुम हमारे साथ तुम जो है से झूठ बोल रहा है। काज नहीं बाबा, हम जो आपके साथ जो रह रहे हैं आपकी भक्ति भाव के ऊपर जो है से आपके यहाँ में नौकरी रहे हैं, हम साक्षात भगवान है। बस उसी टाइम में जो है से विद्यापति कल जोड़ कर जो है से उगना को जो है से ठेवनिया मार कर खड़ा हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और बैठ के और कहते हैं जो ठीक है उगना, अगर वास्तविक में अगर तुम शंकर भगवान है तो तुम हमको इसी जगह और इसी रूप में दो, तुम हमको दर्शन बतला। बस उसी रूप में जो है से शंकर भगवान को जो है से उगना अपना रूप बतलाते हैं विराट रूप में। विद्यापति पैर पकड़ कर बिलख बिलख कर रोने लगते हैं जो हमारे जैसे पापी कौन है, ये साक्षात महादेव से जो है से हमने काम करवाए, ये झाड़ू मारो रे, पानी लाओ रे, यह करो रे, वह करो रे, यह करो रे। इसी विलाप में जो है से विद्यापति खूब बिलख बिलख कर रोते हैं और ये उगना को कहते हैं। कहा जा
ठीक है, ये भेद विद्यापति किसी को मत बतलाना, जिस दिन ये भेद तुम खोल दोगे उसी दिन हम जो है से आपके यहाँ से जो है से हम चले जाएंगे। विद्यापति का पत्नी के नाम है मनायन, तो अपने मनायन को कहते हैं जो ठकुराइन से कुछ बालक के लिए भोजन पानी है तो कुछ बना जो है से इनको भोजन, भूख लगा हुआ है इनको भोजन जो है से करा। कहा कि जो जलावन तो कटा हुआ नहीं है, कुछ जो है से जलावन जो है, तो अनजाने में तो जो है से विद्यापति उगना से जो काम करवा लिए से तो करवा लिए, लेकिन अब जो प्रत्यक्ष में जो शंकर भगवान का जो से दर्शन पाए तो इनको कहना सारा जो है ये हो गया, कुछ कहना नहीं। उसी में जो है से विद्यापति थोड़ा बोटा लेकर और कुल्हर से जो है से लकड़ लेकर फाड़ने लगी, कुछ लकड़ फाड़ कर जो है से अपने पत्नी को दे देते हैं, और देने के बाद जो है चूल्हा में लकड़ धराते हैं, जैसे फूंक मारते हैं तो धुआं जो है से चूल्हा में से निकलता है। तो अब जो है से उगना सोता है, अब हमको यहाँ से विदाई होना जरूरी है, क्योंकि हम जो है से 12-13 साल हो गया विद्यापति का सेवा किए हुए, अब हमको यहाँ से विदाई हो। बस वो चूल्हा में जो लकड़ जो जला हुआ था वही चूल्हा लकड़ निकाल कर और उगना के लिए जो है से मारने के लिए दोगी, ये जो है से खेट रहे हैं इनकी पत्नी, विद्यापति का पत्नी जो है से खेट रहे, वो भाग रहे हैं, ये खेट रहे। बस विद्यापति को नज़र पड़ गया, विद्यापति को नज़र पड़ गया जो साक्षात का प्रभाव, बस ये आलोपित हो जाते हैं। विद्यापति जो है से जब चले जाते हैं उगना, तो ये विद्यापति पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। अब खोजते हैं वन खंड में जो है से पूरा एकदम पागल हो जाते हैं, तो उसी टाइम में जो है से विद्यापति जो है से उगना को जो है से भजन गाते हैं, उगना रे उगना रे उगना रे उगना रे मोरा कतय गेला, उगना रे मोरा कतय गेला, कतय गेला शिव कहाँ गेला, उगना रे मोरा कतय गेला। ये सब भजन जो है से विद्यापति जो है से, अब तो शंकर भगवान मिलने वाले हैं नहीं, क्योंकि वचनबद्ध थे जो ये भेद खोल दोगे तो हम आप उसी अंतर्यान हो जाएंगे। फिर विद्यापति इसी जगह पहुंचते हैं, गांव वाले बस्ती वाले को सबको जो है से कहते हैं जो आप लोग हमारे साथ कब तक रहिएगा, हम तो गंगा सेवन के लिए चले, हम तो घर लौट के तो जाना है नहीं, इसीलिए आप लोग जो है से भूखे प्यासे कब तक रहना, आप लोग भी जो है से चले जाइए। सोचा गांव वाला सब जो है से बात तो सही है, धीरे 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 गांव बस्ती वाले सब जो है से चले जाते हैं। तो फिर जो है से विद्यापति जो है माँ गंगा को स्तुति करते हैं, यहाँ जो माँ गंगा को स्तुति करते हैं और यहाँ आते हैं माँ गंगा, बरे सुख सावल पा ओल तू अति रे छही निकटू तनु वन डहनी रे, कर जोर बिमला हूँ बिमल तरंगे, कर जोर बिमला हूँ बिमल तरंगे, पुनि दर्शन दहो पुनि दर्शन दहो पुनि मतु गंगे, बरे सुख साउल पा ओल तू अति रे छही निकटू तनु वन दहनी रे। वही गंगा माँ गंगा को स्तुति करते हैं विद्यापति, एकदम पूरा आंधी तूफान के तरह रौता धार ऐसे को फोड़ते हुए जो है से विद्यापति के पास पहुंच जाते हैं। विद्यापति पूछते हैं जो ठहरो तुम कौन हो, वर्षा का पानी हो या तालाब के जो है से पानी हो, या वास्तविक में तुम गंगा हो, अगर वास्तविक में गंगा हो तो आप जो है से आप हमको दर्शन बतलाओ तभी मानेगा। माँ गंगा जो है से प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद विद्यापति जो है से कहते हैं जे हे माँ हम आपके जल में प्रवेश करते हैं और मेरा शरीर जो है से प्रज्वलित जो है से अग्नि उत्पत्ति होनी चाहिए तभी मानेंगे जो आप गंगा है।
उसी टाइम में जो है से जल में प्रवेश होते हैं विद्यापति, उसी टाइम में अंत ध्यान लगाते हैं, फिर उगना को ध्यान लगाते हैं, फिर उगना जो है से सारे देवता गण जितने भी थे, साथ में माता पार्वती भी थे और महादेव भी थे, उसी टाइम में जो है से विद्यापति को कहते हैं उगना, जो आंखें खोलो विद्यापति आंखें खोलो, हम जो है से उगना बोल रहे हैं आंखें खोलो, विद्यापति आंख खोलते हैं, उनको जो है से एकदम बिल्कुल तन मन से ध्यान करते हैं। शंकर भगवान ने कहते हैं जो धन हो विद्यापति, भक्त तो हमको पूरे बहुत है, पूरे संसार में बहुत सी भक्त है, लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त न हुआ है और न होगा, जैसे पूरे संसार जैसे मुझे पूजा करता है वैसे भी तुमको भी पूजा होगा, हम तुम्हारे में विलीन है और तुम हमारे में विलीन है, हम दोनों आदमी आज से एक साथ साथ रहेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत महिमा है जैसा कि आप महाराज जी से सुने भी, और खास करके आपको ये भी जानकारी मिली कि विद्यापति जो भोलेनाथ के भक्त थे, लेकिन भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके यहाँ नौकरी करते थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे, यानी कि घर का काम और जो भी काम होता था विद्यापति जी का, वो सब का सब काम करते थे, कौन? भोलेनाथ जी, महादेव करते थे, और उनकी भक्ति ऐसी थी। और जब यहाँ पे मतलब खास करके विद्यापति नाम जो इस धाम का पड़ा है वो क्यों पड़ा है, आप समझ ही गए होंगे इस कहानी से कि भोलेनाथ के भक्त थे और उनके यहाँ भोलेनाथ भक्ति करते थे, और उनकी भक्ति ऐसी थी कि यहाँ से जब वो एक बार गंगा माँ को कहते हैं कि माँ मैं उतने दूर से यहाँ पे आ गया, क्या तीन कोस से तुम यहाँ नहीं आ सकती है कि नहीं, तो गंगा माँ यहाँ पे आती है। तो ये उनकी भक्ति थी, उनकी अटूट भक्ति विद्यापति जी की भक्ति थी। तो ये वही जगह है जहाँ पे भोलेनाथ और विद्यापति जो उनके भक्त थे दोनों की एक साथ पूजा होती है, जैसे भोलेनाथ की पूजा होती है, जैसे महादेव की पूजा होती है, वैसे उनके भक्त की पूजा होती है। ये वही जगह है, और आप पीछे देख रहे हैं अभी थोड़ा सा भीड़ कम है क्योंकि आज का दिन शुक्रवार है, और ख़ास करके यहाँ पे जब रविवार या सोमवार को आएंगे, ऐसे पूजा यहाँ पे नित्यदिन होती है, हर दिन यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगती है, भक्त आते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन अगर आप सोमवार या रविवार को आएंगे तो उस दिन भीड़ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। सावन मास की बात करें तो उस पूरे सावन मास में यहाँ पे आप आएंगे तो आपको चलने का जगह नहीं मिलेगा, वो भीड़ होती है यहाँ पे, और बहुत ही महिमा है यहाँ की विद्यापति धाम की, तभी तो यहाँ पे लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और उनकी हर मनोरथ पूर्ण होती है। तो ये है अपना विद्यापति धाम जो बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत, ये विद्यापति प्रखंड, विद्यापति ही है ना, विद्यापति प्रखंड में ये धाम है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से ऐसे अगर समस्तीपुर जिला से बाहर के हैं, बिहार के किसी भी जिले से हैं, और अगर आपको समस्तीपुर आने का मौका मिलता है तो ऐसे पावन जगह पर निश्चित रूप से आएं और महादेव का पावन आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये थी यहाँ की अद्भुत कहानी, अद्भुत महिमा जो महाराज जी से आप सुने। बाकी विद्यापति की कहानी को लेकर, विद्यापति धाम की कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।